क्या नाम है आपका? मैं कामेश्वर सिखवाल नोएडा से हूँ। अच्छा कामेश्वर, आपको क्या दिक्कत होती थी? मुझे प्रॉब्लम होती थी, मेरी याददाश्त में थोड़ी दिक्कत थी, याददाश्त नहीं रहना और एंजाइटी रहना और लॉस्ट सा महसूस करना, घबराहट महसूस करना, काम में मन नहीं लगना और समझने में दिक्कत आना। ये सब दिक्कत थी आपको? ये सब दिक्कत, तो सबसे अधिक दिक्कत आपको डिप्रेशन में था। मैं डिप्रेशन में था और किसी भी काम में करने में रुचि नहीं थी बिल्कुल, और भूल जाता था चीजें, वो याददाश्त वाली बात। याददाश्त एकदम। अच्छा चलो, आपने कितने दिन सुप्रज्ञा पी है हमारी? मुझे करीबन 2 महीने हुए सुप्रज्ञा पीने। तो सबसे पहले आपकी याददाश्त बताइए, अभी कैसी है? अब मैं बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ और नॉर्मल से भी ज्यादा, मतलब मैं शार्प हो गई है मेरा माइंड। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, नॉर्मल से भी ज्यादा। अब आपको काम करने में मन लगता है? काम करने में मन लग रहा है मेरा। अच्छा, जो डिप्रेशन वाली फीलिंग थी वो सुप्रज्ञा या बाकी जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने दी थी उसके साथ वो ठीक हो गई है। बिल्कुल ठीक है। और नींद वगैरह भी अच्छी आती है आपको? नींद अच्छी आ रही है, भूख अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बढ़ गया? बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है मेरा और अब मैं ज्यादा काम कर पा रहा हूँ, मैं चीजों को जल्दी समझ पा रहा हूँ, ऑफिस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, आपने बोला था कि थोड़ा शक की प्रवृत्ति रहती थी आपकी, जैसे कोई आपको फॉलो कर रहा है या ऐसे, वो चीज भी चली गई? हाँ, वो चीज भी खत्म हो गई, अब मैं एकदम नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। चलिए, और मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूँ, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा मेरे लिए परमेश्वर का ही रूप साबित हुआ है और जिन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम से निकाला, और मैं उनका और उनकी टीम का बहुत आभारी रहूंगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।